नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नेमावार के नर्मदा तट पर 51,000 दीपदान के साथ विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में 56 भोग और महाआरती का आयोजन किया गया। मां नर्मदा के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नेमावर में जीवन दायिनी मां नर्मदा के तट पर सिद्ध संत एवं विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ 51,000 दीपदान किए गए, 56 भोग एवं महाआरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जन्मोत्सव पूजन के पश्चात मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन संस्कृत मंत्रालय द्वारा निर्जनी भजन संध्या महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आज पूज्य महाराष्ट्र जी के सानिध्य में बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ नेमावर घाट पर मनाया गया। नर्मदा जी जो निरंतर करुणा का प्रवाह है वो हम सभी को अपने वात्सल्य से विसंचित कर रही है, पर हम सभी लोगों को ये उत्सव आनंद के साथ में विवेक का सर्जक भी होवे, इस बात का संदेश भी हमको प्राप्त हो। श्री नर्मदा जी को हमको स्वच्छ रखना है, पावन रखना है, शुचि रखना है, इस संकल्प के साथ, इसी विवेक के साथ आज का उत्सव सभी के लिए निखिल विश्व सृष्टि के लिए मंगलमय हो। तो हम उनके चरणों में अपनी ये भक्तिमयी भेंट स्वरूप जन्मोत्सव की पुष्पांजलि समर्पित करते हैं इस दिन, और माँ नर्मदा से के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो उनके अस्तित्व को जिस तरह से खनन करके और माँ नर्मदा के जल में अपशिष्ट पदार्थ डालकर कार से नष्ट किया जा रहा है, तो हम सभी भक्त प्रार्थना करते हैं कि सबको सदबुद्धि मिले, सदमार्ग मिले और मां नर्मदा का अस्तित्व इस धरा धाम पे अनंत अनंत काल तक ऐसे ही रहे और मां नर्मदा जगत का कल्याण करती रहे। इस तरह मां नर्मदा के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। आप सभी को मां नर्मदा के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। पहले तो हर हर नर्मदे जो जन्मोत्सव है वो हर साल हम लोग इसी उत्साह के साथ मनाते हैं, और आचार्य जी के सानिध्य में बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसे मनाया है। हर साल मनाते हैं, काफ़ी आनंद और उल्लास के साथ हमें ये जो अनुभव होता है काफ़ी मतलब भक्तिमय लगता है, और भक्तिमय सब लोग भक्ति हर हर नर्मदे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।